नमस्कार दोस्तों, मैं महेश अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूपी लाइव 100 न्यूज। यूपी लाइव 100 न्यूज में आज सभी दोस्तों का स्वागत है। देश भर के हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खासकर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है। थानापारा के क्षेत्र की लूटी घटना कथित करने वाले अंतरजीव लुटेरे गिरफ्तार। दो नफर अभियुक्त माए लूट के रुपए चार पहिया वाहन इनोवा एक अदत मोबाइल फोन एक अदत झोला व बैग बरामद। जनपद बहरेज के अपराधियों के विरुद्ध चला गया अभियान की लूट की घटना कथित करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी। पूर्व पुलिस अधीक्षक बहरेज ने संतोष कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नपारा को दिया गया निर्देश। जानकारों में रविंद्र सिंह अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्र अधिकारी नपारा अरुण चंद्र के निर्देश में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह माए एस वी टीम प्रभारी बहरेज जय नारायण शुक्ला माए हमारी टीम की दिनांक 2/11/2019 को रात्रि में सुराग पता सर्विलांस की मदद में व मुखबिर की खास सूचना पर आधार पर कड़वा मोड़ मिहिपुरवा रोड मंडी समेत के सामान के समय 3/14/2019 को नरपारा के निवासी फल सब्जी व्यापारी के वलीम पुत्र सलीम के उसके साथ ही से वाहन से DL3CB की 0911 कार से नरपारा से रुपया रोड पर जाते समय लूटे गए रुपयों के साथ अभियुक्त दल को पकड़ा गया। उनके कब्जे में अपहरण लूट की गई धन राशि बरामद किया गया। बरेज से इस्माइल अंसारी की रिपोर्ट। जनपद बहराइच में 14 अक्टूबर को दो सब्जी व्यापारी वलीम व उनके साथी रहमान जब बहराइच से रुपैडिया की तरफ जा रहे थे तो चार लोगों द्वारा गोल्डन इनोवा में आकर और लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच बनकर उनको अपनी गाड़ी में बंधक बनाया गया व उनके पास से भारी मात्रा में कैश लूटा गया और उनको लखीमपुर जनपद के क्षेत्र में छोड़ा गया। इस घटना की जानकारी होते ही पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। SPRA साहब के निर्देशन में थाना पुलिस के साथ साथ स्वॉट टीम को भी लगाया गया। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे सर्विलांस के माध्यम से और फुटेजेज जो हमें बरामद हुई थी उसे ये क्लियर हुआ था ये घटना जो है वो चार लोगों द्वारा की गई है जो कि जनपद बरेली के मूल का निवासी हैं और अब जनपद चंपावत बनबसा उत्तराखंड में ज़्यादातर रह रहे हैं। इनको ट्रेस किया गया, इनकी मूवमेंट लगातार ट्रैक हो रही थी, इनकी अरेस्टिंग रात में इनकी अरेस्टिंग हुई है और इनके पास से जो उस समय की जो लूट का अमाउंट बाद में सामने आया है 35 लाख की जो लूट हुई थी उसमें से 34,20,000 रुपये दो मुख्य अभियुक्तों के राजू व मनोज के इन पर्सन से बरामद हुआ है। इनका एक साथी संजय जो पहले ही पुलिस द्वारा अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। इस घटना को कारित करने का चौथा अभियुक्त सोनू मौर्य अभी भी फरार है, उसके लिए पुलिस टीम लगी हुई है। जिस गाड़ी से गोल्डन इनोवा UP25AE0696 से जो घटना ये की गई थी वो भी पुलिस द्वारा रिकवर कर दी गई है। जिस व्यक्ति की ये इनोवा थी उसके द्वारा भी अपने बयान में बताया गया है कि इन लोगों द्वारा झूठ बोल करके उससे ये गाड़ी कुछ दिनों के लिए उधार पर दी गई थी और इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसमें कुछ लोगों की संलिप्तता अभी और भी हो सकती है जिनके द्वारा इसमें सूचना दी गई या इसमें मुखबिरी की गई है उसके बारे में भी पुलिस तलाश कर रही है। आने वाले दिनों में उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ी बरामदगी हमारी स्वॉट टीम और नानपारा की जो पुलिस है उसके द्वारा की गई है। इस सफलता के लिए मैं पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात इसमें यह है कि जो पीड़ित पक्ष है वो उसके द्वारा पहली सूचना जो है वो जनपद लखीमपुर खीरी के लोकल पुलिस को दी गई थी। वहाँ से अधिकारियों द्वारा जब हमें सूचित किया गया तत्काल हमारी टीम यहाँ से रवाना हुई। अभी जो विक्टिम थे इसके उनके द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही थी उसको वेरीफाई किया गया है। उसके बाद जैसे ही उनके द्वारा तहरीर प्राप्त हुई तहरीर के अकॉर्डिंग ही मुकदमा लिखा गया था। आने वाले दिनों में उनके जब बयान लिए गए तो घटना के बारे में और चीज़ें प्रकाश में आई हैं और उसी के आधार पर ये अरेस्टिंग और बरामदगी की गई है। देखिए, डेफिनेटली ये जो बरामदगी है ये काफ़ी हैवी अमाउंट की है। 34,20,000 रुपये की इसमें बरामदगी है। वादी द्वारा जो इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनसे भी द्वारा बात की जाएगी, उनको वेरीफाई किया जाएगा और आने वाले दिनों में इसमें और जानकारी जो है। ताज़ातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए।